हेलो डॉक्टर्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स। इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के जवाब दे पाए। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव समझने से पहले हमें समझना होगा पहले कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि पहले हम आप नॉर्मल समझेंगे तभी तो जाके एबनॉर्मल समझेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव क्या होता है। तो बेसिकली समझिए कि ये आपका हीमोग्लोबिन है और ये हीमोग्लोबिन रिएक्शन करता है किसी भी गैस के साथ या किसी भी केमिकल के साथ। ठीक है, ये किसी भी गैस या केमिकल के साथ अगर रिएक्शन करता है और एक कोई न्यू कंपाउंड बनाता है, क्या बनाता है, कोई न्यू कंपाउंड बनाता है, तो जो ये न्यू कंपाउंड बनेगा ये होगा हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव। क्या आपको कहलाएगा, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव कहलाएगा। यानी हमारी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन किसी गैस या केमिकल के साथ रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड बनाता है तो उस नए कंपाउंड को हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो जो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये क्या हुआ, हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव हुआ। ये क्या हुआ, हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव हुआ। अब जब इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की लेवल आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा हो जाए, तब हम इसको बोलेंगे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स। तो बात समझ में आ गई आपको, जब हीमोग्लोबिन किसी गैस या केमिकल से रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड बनाएगा तो उसको हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव बोलेंगे। और जब इस हीमोग्लोबिन की डेरिवेटिव, जब हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव का लेवल हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा हो जाएगा तब इसी को हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव ये क्या है, अल्टर्ड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की ही बदली हुई फॉर्म है। अब ये बदली हुई फॉर्म क्यों है, या तो किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से, या फिर जो आपके हीमोग्लोबिन में आयरन Fe प्लस टू फॉर्म में होता है अगर ये अपनी स्टेट चेंज करके Fe प्लस थ्री स्टेट में चला जाए तो ये भी एक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो या तो आपकी हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, या फिर आपका हीमोग्लोबिन किसी भी केमिकल या गैस के साथ रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड बना ले तो जो अल्टर्ड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन बनेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव बोलेंगे। अभी हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव कितने तरह के होते हैं, एक है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब आपका हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और हमारी बॉडी में अगर इसका अमाउंट देखा जाए तो नॉन स्मोकर्स जो होते हैं उसमें ये पूरे हीमोग्लोबिन का, टोटल हीमोग्लोबिन का लेस देन 3% होगा। अगर स्मोकर्स की बात की जाए तो स्मोकर्स में ये टोटल हीमोग्लोबिन का लेस देन 9% होगा। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन समझ में आ गया, जब आपका हीमोग्लोबिन किसके साथ रिएक्ट कर जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाए तब इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दूसरा जो है वो है मिथेमोग्लोबिन। मिथेमोग्लोबिन क्या होता है, जब आपका हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर आयरन का एटम पाया जाता है, किसका पाया जाता है, आयरन पाया जाता है फेरस फॉर्म में, Fe प्लस टू फॉर्म में, तो जो Fe प्लस टू है ये Fe प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाए। Fe प्लस टू जो है आपका आयरन हीमोग्लोबिन में वो किस में कन्वर्ट हो जाए, Fe प्लस थ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसको बोलेंगे, इस डिसीज को बोलेंगे मिथेमोग्लोबिन, या फिर इस न्यू हीमोग्लोबिन को बोलेंगे मिथेमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, मिथेमोग्लोबिन। और ये हमारी बॉडी में लेस देन 3% पाया जाता है, किसका, ये किसका, आउट ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन, आउट ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन। तो टोटल हीमोग्लोबिन का कितना होगा, लेस देन 3% होगा। नेक्स्ट हम बात करें जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सल्फ हीमोग्लोबिन। सल्फ हीमोग्लोबिन कब बनता है, जब आपका हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करता है तो अब इसको वो क्या बनाता है, सल्फ हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये बहुत ही ट्रेसेस अमाउंट में होता है। तो ये तो थे हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव, कौन कौन से, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मिथेमो हीमोग्लोबिन और सल्फ हीमोग्लोबिन, और ये थे इनके नॉर्मल परसेंटेज या फिर नॉर्मल अमाउंट। अब मान लीजिए हमारी बॉडी में इनका जो कंसेंट्रेशन है वो इस नॉर्मल अमाउंट से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, इस नॉर्मल अमाउंट से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, यानी इनका जो परसेंट अमाउंट है हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव का ये हमारे ब्लड में एबनॉर्मली हाई हो जाए, तब हम इन हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स को ही क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स। तब हम इन
नॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स को ही क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव बोलेंगे, जब इनका कंसेंट्रेशन एबनॉर्मली हाई हो जाएगा। अब इन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमने आपको बताया था कैसे बनता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है, तब बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इसका जो नॉर्मल अमाउंट होता है नॉन स्मोकर्स में होता है 2-3% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन, और स्मोकर्स में बात करें तो 7-9% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होने की ज्यादा होती है, 200 टाइम्स मोर एफिनिटी होती है, किससे जुड़ने की, हीमोग्लोबिन से जुड़ने की। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन से जुड़ने की वो 200 टाइम्स ज्यादा होती है, किससे, ऑक्सीजन से। बात समझ आ रही है? तो ये जल्दी से रिएक्ट करता है और हीमोग्लोबिन को ब्लॉक कर लेता है, सैचुरेट कर देता है। जब हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है उसको ब्लॉक कर लिया जाता है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इसकी वजह से रुक जाता है। अब देखो हीमोग्लोबिन तो वही है ना, और उससे ट्रांसपोर्ट होना था ऑक्सीजन का, लेकिन जाके कौन जुड़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसकी एफिनिटी ज्यादा है तो अब ऑक्सीजन तो जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसकी जगह पे कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पर। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से निकलता है, जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, जो कोल के माइन से निकलता है, और ये स्मोक से निकलता है, किसके स्मोक से, फायर वगैरह जो आग वगैरह होती है, तंबाकू स्मोकिंग से, गन पाउडर और वेपन से जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है उससे, चारकोल के बर्निंग से भी प्रोड्यूस होती है, और एग्जॉस्ट ऑफ गैसोलीन इंजन से निकलने वाला जो धुआं होता है उससे, उसमें से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ओके, अगर हम बात करें, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल 1% हो जाए, कितना हो जाए, 1% से कम होता है, जब 1% से कम होता है आपकी एयर में कंसेंट्रेशन कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो 15-20% सैचुरेट हो जाता है, किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। यानी 15-20% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से, जब एयर में कंसेंट्रेशन लेस देन 1% होता है। यानी इतनी कम परसेंट में भी कितना ज्यादा हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है आप ये देखिए। और जब ऐसा होता है, जब लेस देन 1% कार्बन मोनोऑक्साइड होती है एयर में, तो आपको कैसे सिम्टम्स आते हैं, हेडेक्स लगता है, सर में दर्द लगता है, नोजिया वॉमिटिंग जैसा फील होता है। ठीक है, अगर 1% से ज्यादा हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, 1% से ज्यादा हो जाए एयर में, तो क्या होगा, तो हमारा 30-40% जो हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेट हो जाएगा और हमको कन्वुलेशंस यानी कि बेहोशी, कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट यानी कि हार्ट में प्रॉब्लम, हार्ट अरेस्ट, और अनकॉन्सियसनेस और कोमा वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी हमारी बॉडी में। ठीक है, और अगर यही सैचुरेशन अगर 50% तक पहुंच जाए तो क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 50% तक पहुंच जाए तो डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये था कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मिथेमोग्लोबिन के बारे में। इसको हम फेरी हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया मिथेमोग्लोबिन तो कब क्रिएट होता है, जब आपका जो Fe+2 है, आपका जो आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें क्या होता है, एक हीम होता है जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, एक ग्लोबिन होता है जो प्रोटीन पार्ट होता है, और जो हीम वाला होता है इसमें दो पार्ट होता है, एक तो आयरन, एक होता है पोरफायरिन। क्या होता है, पोरफायरिन। ठीक है, तो पोरफायरिन में क्या होता है, चार रिंग होती हैं पायरूल की, किसकी, पायरूल की। तो अगर आपने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा हो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एक रफ स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इट इज नॉट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। यहां पे एक आयरन होता है सेंटर में, और विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन ये जो पायरूल रिंग होती है ये आयरन से अटैच होती है। तो यहां जो आयरन जो है ये Fe+2 फॉर्म में, ये किस फॉर्म में, Fe+2 फॉर्म में, और ये Fe+2 फॉर्म जिसको हम फेरस बोलते हैं, और ये अनस्टेबल फॉर्म है, कैसी फॉर्म है, अनस्टेबल फॉर्म है, और ये अनस्टेबल फॉर्म जो है वो हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें अनस्टेबल ही चाहिए, क्योंकि हम चाहते ये हैं कि लंग्स से ऑक्सीजन जुड़े और टिश्यू पे जाके हट जाए, ये तभी पॉसिबल है जब आयरन जो होगा अनस्टेबल होगा। अगर आयरन स्टेबल होगा तो वो एक बार अगर ऑक्सीजन को जोड़ लेगा तो फिर उसे छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए हमारे लिए कौन सा अच्छा है, अनस्टेबल अच्छा है, तो हम ये चाहते हैं कि ये अनस्टेबल ही रहे। बट ड्यू टू सम फैक्टर्स अगर ये Fe+2 अनस्टेबल फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है Fe+3, यानी फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन, इस हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं मिथेमो हीमोग्लोबिन। इसका नॉर्मल अमाउंट हमारी बॉडी में 0.6-2.5% होता है टोटल हीमोग्लोबिन का। ठीक है, अच्छा, अब हमारी बॉडी में नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए
हमारी बॉडी जब नॉर्मल फंक्शन कर रही होती है तब हमारी नॉर्मल बॉडी में Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसे कौन रोकता है? तो दो एंजाइम हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है, दो एंजाइम्स हमारी बॉडी में होते हैं जो इस Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। उन एंजाइम के नाम है Difrones 1 और Difrones 2। Difrones 1 क्या है? इट इज NADPH डिपेंडेंट रिडक्टेज, और 95% एक्शन इसी का होता है। जो NADPH डिपेंडेंट रिडक्टेज है यही एंजाइम जो होता है इस Fe+2 को Fe+3 में जाने से रोकता है, ठीक है। दूसरा एंजाइम है NADPH डिपेंडेंट मिथेमोग्लोबिन रिडक्टेज, बट इसका एक्शन सिर्फ 5% होता है। तो मेनली इंपॉर्टेंट ये वाला एंजाइम होता है Difrones 1। ये नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो ये हमारे Fe+2 को Fe+3 में जाने से रुकता है। मान लो किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर ये एंजाइम एब्सेंट होता है तो आपका जो Fe+2 है ये Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो हीमोग्लोबिन होगा उसको मिथेमोग्लोबिन बोलेंगे, और जो डिसीज होगी उसको बोलेंगे मिथेमोग्लोबिनेमिया, ठीक है। इसमें क्या होगा? मिथेमोग्लोबिन का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होंगी वो क्या होंगी? हाइपोक्सिया, हमें ऑक्सीजन की कमी फील होगी। क्योंकि क्यों होगी? क्योंकि आयरन जो है वो अनस्टेबल है, सप्लाई नहीं, आयरन जो है अब स्टेबल है और ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर रहा है टिश्यू तक। हाइपोक्सिया होगा, अब ऑक्सीजन की कमी होगी तो बॉडी ब्लू पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, और उस डिसीज को हम क्या बोलेंगे? साइनोसिस बोलेंगे। अच्छा, मिथेमोग्लोबिन के क्या क्या कॉज हो सकते हैं? यानी कि ये पूछ रहा जा रहा है कि Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो हेरिडिटरी कॉज हो सकता है। हेरिडिटरी कॉज मैंने आपको बताया था, जो आपका एंजाइम है NADPH रिडक्टेज, ठीक है, ये एब्सेंट हो, एक ये रीजन हो सकता है। कुछ ड्रग्स होती हैं जो Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करती हैं, जैसे कि कुछ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं जैसे सल्फोनामाइड्स, कुछ एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं जैसे क्लोरोक्विन, और कुछ एंटीसेप्टिक्स और एनेस्थिया जैसे कि बेंजोक्विन, ये कन्वर्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। कुछ इंडस्ट्री के केमिकल्स हैं जो इंड्यूस करते हैं Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट होने में, जैसे फ्लोराइड्स, एरोमेटिक अमाइंस, और गैसेस लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोबेंजीन्स। हमारी डेली लाइफ के कुछ फैक्टर्स जो सपोर्ट करते हैं Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट होने में, जैसे कि वाटर के अंदर जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है उसके अंदर जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स होते हैं वो एक तो हेल्प करते हैं Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट होने में, और मीट के अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और जो रूम डिओडोरेंट होते हैं ये भी क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट होने में। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो लास्ट वाला था थर्ड, सल्फर हीमोग्लोबिन। सल्फर हीमोग्लोबिन जो होता है ये कैसे बनता है? जब आपका हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तब सल्फर हीमोग्लोबिन बनता है। और ऐसा क्यों होता है? ये कुछ ड्रग्स की वजह से होता है, कुछ ड्रग्स इसको स्टिमुलेट करते हैं जैसे फेनासिटिन, सल्फोनामाइड्स और नाइट्रेट्स। नॉर्मल लेवल हमारा ब्लड में इसका लेस देन 1% होता है टोटल ब्लड का, बट जब ये 10 ग्राम से ज्यादा हो जाएगा हमारे ब्लड में तो हमें क्या हो जाएगा? साइनोसिस हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, सॉरी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसको हम हाइपोक्सिया बोलेंगे, और हाइपोक्सिया की वजह से बॉडी जो है वो ब्लू पड़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम साइनोसिस कहेंगे। तो ये था हमारा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव। अगर पूरे लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट रहा हो या कोई भी आप सजेशन देना चाहें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।